नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस रांची से पटना जाते समय दुर्घटनाग्रस्त होने से बची। सोमवार 12 जून 2023 को पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन हुआ। पटना से सुबह चलकर ट्रेन दोपहर में रांची पहुंची। यहां से पटना जाने के दौरान कोडरमा से पहले चार जगहों पर रेलवे ट्रैक पर मवेशी के आ जाने की घटना सामने आई है। बता दें, पिपराडीह के पास रेलवे ट्रैक पर एक गाय आ गई। हालांकि ट्रेन चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन की गति धीमी कर दी, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। हालांकि ट्रेन से मवेशी के कटने की सूचना है। वहीं पटना से रांची जाने और रांची से पटना आने के क्रम में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से चार जगह रन आवर की घटना हुई है। सभी जगहों पर ट्रेन से मवेशी चपेट में आए हैं। इस वजह से दो जगहों पर ट्रेन को 5-5 मिनट रोकना भी पड़ा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार कोडरमा से हजारीबाग के बीच, कुरागढ़ कठौतिया मेसरा और साकी के बीच, हजारीबाग होम सिग्नल के पास तथा पिपरा डी होम सिग्नल के पास पटरी पर मवेशियों के आ जाने से रन ओवर हुआ। कृषि मंत्री बादल ने गोधन न्याय योजना का किया शुभारम्भ। हेसांग स्थित पशुपालन विभाग के सभागार में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने गोधन न्याय योजना का लोकार्पण किया है। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों और दुग्ध उत्पादकों को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य में गोवंश के गोबर से हम जैविक कृषि के क्षेत्र में झारखंड की पहचान बना सकते हैं। आज हम केमिकल फर्टिलाइजर पर आश्रित हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर छोड़ता है। उन्होंने कहा है कि राज्य के 5 जिलों से गोधन न्याय योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हो रही है। इस प्रोजेक्ट की सफलता की समीक्षा के बाद पूरे राज्य में इसे चलाने की योजना बनाई जाएगी। इसलिए सभी गोपालकों से निवेदन है कि वह राज्य को जैविक झारखंड बनाने की दिशा में आगे बढ़े। 15 जून को भारत बंद, 30 जून को विश्व सरना धर्म कोड जनसभा। आदिवासी सेगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष साल खान मुर्मू ने अपनी मांगों को लेकर 15 जून को भारत बंद की घोषणा की है और 30 जून को विश्व सरना धर्म कोड जनसभा के लिए कोलकाता ब्रिगेड परेड ग्राउंड चलने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड और बृहद झारखंड के आदिवासियों का दुर्भाग्य है कि पूर्व सीएम शिबू सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों ने अब तक 5 मुद्दों पर आदिवासी समाज के साथ धोखा दिया है। आदिवासी सेगेल अभियान ने सवालिया लहजे में पूछा है कि 2011 की जनगणना में प्रकृति पूजक आदिवासियों ने लगभग 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखवाया और जैन धर्म ने 44 लाख लिखवाया, तब भी सरना धर्म कोड को अब तक मान्यता क्यों नहीं। वहीं संताली भाषा एकमात्र राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बड़ी आदिवासी भाषा है, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विरोधी दल के नेता बाबूलाल मरांडी सभी संताली हैं और लगभग 100 लाख संताली भाषा भाषी होने के बावजूद झारखंड की प्रथम राजभाषा क्यों नहीं। रांची में तेजी से बढ़ रहे चिकन पॉक्स के मामले। राजधानी में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण अस्पतालों में लू लगने की काफ़ी शिकायतें आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मामले चिकन पॉक्स के सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में चिकन पॉक्स के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में हर दिन चिकन पॉक्स के 4 से 5 मामले पहुँच रहे हैं। एक माह में करीब 150 मामले पहुँचे हैं, इनमें बच्चे से लेकर बड़े शामिल हैं। वहीं सबसे अधिक समस्या बच्चों के बीच देखी जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार इस मौसम में इस तरह के मामले का आना आम बात है, लोगों को अधिक घबराने की जरूरत नहीं है। किसानों से 2 रुपये किलो गोबर खरीदेगी हेमंत सरकार। झारखंड सरकार की प्रमुख बजट घोषणाओं में शामिल गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। सोमवार को राज्य सरकार के कृषि मंत्री बादल ने हेसांग स्थित पशुपालन विभाग के सभागार में योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा है कि झारखंड को जैविक राज्य बनाना योजना का लक्ष्य है। गोवंश के गोबर से जैविक कृषि के क्षेत्र में झारखंड की पहचान बनेगी। किसान केमिकल फर्टिलाइजर पर आश्रित हैं, जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। 5 जिलों से गोधन न्याय योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हो रही है। रांची में जमीन घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई तेज। झारखंड में जमीन घोटाले मामले में अब ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद अब फर्जी तरीके से खरीद बिक्री की गई जमीन को अटैच कर लिया गया है। बता दें कि बरियातू में सेना की जमीन और बाजरा मौजा की जमीन की फर्जी तरीके से बिक्री की गई थी, जिसके बाद इस केस की जाँच ईडी कर रही थी।
अब दोनों जमीन को ईडी ने अटैच कर लिया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 74 करोड़ रुपए से अधिक है। जमीन को अटैच करने की जानकारी ईडी की ओर से ट्वीट कर दी गई है। सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ और बजरा मौजा की 7.16 एकड़ जमीन को गलत दस्तावेज बनाकर जमीन माफिया और अधिकारियों ने बेच दिया था। रांची में जगन्नाथ पूजा का उत्साह, 20 जून को रथ यात्रा। राजधानी की जगन्नाथ पूजा हर साल धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान लोगों की अच्छी भीड़ भी उमड़ती है। उड़ीसा की तर्ज पर रांची में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकाली जाती है। बता दें, इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर धुरवा स्थित जगन्नाथ मंदिर में तैयारियां अंतिम चरण में है। 20 जून को निकलने वाली रथ यात्रा को लेकर रथ को सजाया जा रहा है। वहीं जगन्नाथ मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसका निर्माण वर्ष 1691 में ही किया गया था। उसी समय से पूरी विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन धुरवा में किया जा रहा है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने की मौसम केंद्र ने तत्कालीन चेतावनी जारी की है। तपिश भरी गर्मी के बीच मौसम केंद्र रांची ने देवघर, गुमला, लोहरदगा और रांची जिले के कुछ भागों में अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्य दर्जे की बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच इन जिलों में 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा भी चलेंगी। वहीं राज्य के देवघर, गुमला, लोहरदगा, रांची और आसपास के जिलों में वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना को देखते हुए मौसम केंद्र रांची ने इन जिलों में रहने वाले लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क रहें, वज्रपात की स्थिति में सुरक्षित स्थान में शरण लें। माध्यमिक और प्लस टू स्कूलों में कराई जाएगी ITES व मीडिया इंटरटेनमेंट की पढ़ाई। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिन स्कूलों में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कवर किए गए हैं, उन माध्यमिक और प्लस टू स्कूलों में राज्य सरकार विद्यार्थियों को इससे जुड़े अन्य ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा भी दिलाएंगी। बता दें, इन स्कूलों में दो ट्रेड ITES इनेबल्ड सर्विसेज और मीडिया इंटरटेनमेंट की पढ़ाई कराई जाएगी। राज्य सरकार ने पहले चरण में चालू वित्तीय वर्ष में ऐसे 639 स्कूल चिन्हित किए हैं जहां इन दोनों ट्रेडों की पढ़ाई कराई जाएगी। अगले साल अन्य स्कूलों को कवर किया जाएगा। सरकार ने ज्ञानोदय कार्यक्रम के तहत राज्य बजट से इन स्कूलों में दोनों ट्रेड की व्यावसायिक शिक्षा शुरू कराने का निर्णय लिया है, जबकि ICT योजना समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित होती है। वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत करने पहुंचे सांसद जयंत सिन्हा। सोमवार को ट्रायल रन के तहत पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्वागत करने हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा कोडरमा स्टेशन पर पहुंचे। इस मौके पर सांसद ने कहा है कि आज का दिन रांची से पटना तक के पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। काफ़ी खुश हूँ कि इस ट्रेन का परिचालन उस समय शुरू हो रहा है जब देश में PM मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। PM मोदी का 9 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। बोकारो हवाई अड्डा का 90% कार्य पूरा, लाइसेंस मिलते ही शुरू होगी उड़ान। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की अध्यक्षता में सोमवार को बोकारो परिसदन में जिला प्रशासन की उपस्थिति में BSL अथॉरिटी एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ अहम बैठक की गई। इसमें मंत्री ने उपायुक्त को हर माह बैठक करने का निर्देश दिया ताकि कार्य में प्रगति की जानकारी मिल सके। इस दौरान बताया गया है कि 90% कार्य पूरा हो चुकी है, रनवे भी तैयार है, लाइसेंस के लिए जल्द अप्लाई करने को कहा गया है। मौके पर बोकारो विधायक बिरंची नारायण, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री आदि उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न पहलुओं पर विमर्श किया गया। इसमें ये बातें सामने आई है कि हवाई अड्डा में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड एवं सुरक्षा बल का होना जरूरी है, जिसके लिए विभाग से पत्राचार कर आय की कार्रवाई करने को कहा गया है। CCL की लाल लाडली योजना से फ्री में करें इंजीनियरिंग। लाल लाडली योजना के लिए CCL ने 18 जून से ऑनलाइन आवेदन की मांग की है। इस स्कीम के तहत कंपनी विद्यार्थियों को निःशुल्क में इंजीनियरिंग की तैयारी कराता है। बता दें, 10वीं में मार्क्स के आधार पर चयनित बच्चों का CCL के गांधीनगर स्कूल में दाखिला कराया जाता है। जिन स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है उन्हें बाद में दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाता है और कोचिंग की तैयारी IITN अधिकारियों द्वारा कराई जाती है। चयनित स्टूडेंट को हॉस्टल में रख कर पढ़ाई कराई जाती है, जहां बच्चों को फ्री में स्कूलिंग, मेडिकल समेत कई सुविधाएं दी जाती है। इसके अलावा बच्चों को खेल कूद में भी आगे बढ़ाया जाता है।
18 साल से स्कूल से गायब रहने वाले टीचर विनोद सेवा मुक्त। पलामू में जालसाजी का एक अद्भुत मामला प्रकाश में आया है। पलामू डीसी ने सोमवार को जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक की और सहायक शिक्षक विनोद प्रजापति को 18 साल से शिक्षण कार्य से गायब रहने के आरोप में सेवा मुक्त करने का आदेश दिया। सहायक शिक्षक विनोद प्रजापति मेदिनी नगर के बंगाली कन्या मध्य विद्यालय में पदस्थापित थे। वे पिछले 18 वर्ष से विद्यालय में अनुपस्थित थे। वे रांची में रहकर वकालत करते थे। इस दौरान बंगाली कन्या विद्यालय में जो भी प्रधानाध्यापक बनकर आते उन्हें विनोद प्रजापति खुद को रांची हाईकोर्ट का वकील बताकर धौंस जमाते रहे और अपने खिलाफ रिपोर्ट करने से रोकते रहे। 13 जून को पीएम मोदी 70,000 युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जून 2023 को रोजगार मेले में 70,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे। मंगलवार की सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, जिसमें 9 नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पीएम मोदी युवाओं को इस कार्यक्रम में संबोधित भी करेंगे। बता दें, ये नियुक्ति केंद्र सरकार के विभागों के अलावा राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। 9 नियुक्त कर्मचारी जिन्हें देश भर में चयन किया गया है, सरकार के अलग अलग विभागों जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन आदि में ज्वाइन करेंगे। यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री नहीं दे, राज्यपाल। राज्यपाल सह झारखंड के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को विजन, मिशन व लक्ष्य के साथ कार्य करना चाहिए। सिर्फ डिग्री देने से कुछ नहीं होगा। विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए सोचना होगा। उन्हें अध्ययन के बाद कैसे रोजगार प्राप्त हो, इस दिशा में कार्य करना होगा। विश्वविद्यालयों के पास सही कार्ययोजना होनी चाहिए। हमें वक्त की मांग को समझना चाहिए। राज्यपाल राजभवन में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति कुलसचिव के साथ विश्वविद्यालयों शैक्षणिक व प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से चलकर रांची के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची। सोमवार को पटना और रांची वासियों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार खत्म हुआ। बता दें, सुबह 6:55 पर पटना जंक्शन से खुली ट्रेन दोपहर 12:50 के करीब रांची स्टेशन पर पहुंची। तेज सीटी के साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 में प्रवेश की। ट्रेन के आते ही स्टेशन पर मौजूद लोगों के चेहरे खिल गए। इस ट्रेन के ट्रायल रन होने के कारण इसमें कोई यात्री सवार नहीं थे। बता दें, पटना से चलकर सोमवार की दोपहर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रांची रेलवे स्टेशन पर पहुंची। रांची के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जैसे ही ट्रेन आई, उपस्थित लोगों ने ताली बजाकर इस ट्रेन का स्वागत किया। वहीं पटना से रांची के बीच 6 स्टेशनों पर इसका ठहराव हुआ है। खोटी पहुंचे मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने समीक्षा बैठक में हुए शामिल। 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक में शामिल होने खोटी पहुंचे मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से चर्चा की गई। पेयजल समेत अन्य समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया। योजना एवं वित्त विभाग, वाणिज्य कर, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में सोमवार को 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से चर्चा की गई। वहीं खूंटी डीसी ने योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी दी है। बोकारो के कसमार में 2200 चूजे समेत मुर्गी सेट जलकर राख। बोकारो के कसमार प्रखंड के सिंहपुर में रविवार रात करीब 11 बजे अगलगी की घटना में 2200 चूजे और 17 बोरा दाना समेत एक मुर्गी सेट जलकर राख हो गया। बांस और बिचाली से बना मुर्गी सेट बसरिया निवासी गोविंद राम महतो के पुत्र जयदीप कुमार चौधरी का है। सूचना मिलने पर विधायक डॉक्टर रामोदर महतो, मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम महतो, पंसद विनोद महतो आदि मौके पर पहुंचे तथा इसकी सूचना पुलिस और सीओ को दी गई। अगलगी में लगभग 8,00,000 रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। झारखंड में 10 रुपये मांगने पर एकलौते बेटे को मार डाला। झारखंड के चतरा में मात्र 10 रुपये मांगने पर पिता ने अपने 12 वर्षीय एकलौते बेटे की गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद घर में ही फांसी के फंदे से लटकाकर उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। बता दें, घटना सोमवार को चतरा के वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के करेली बार गाँव में हुई है।
आरोपी का नाम बिलेश भुइया है। मृतक के चाचा शैलेश भुइया के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बोकारो के हड़िया जंगल के पास लूटपाट मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो के ललपनिया नया मोड़ मुख्य मार्ग स्थित हड़िया जंगल के पास एक मुर्गी व्यवसायी से लूटपाट और मारपीट मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटे गए 1,20,500 सहित एक देसी कट्टा और 2 बाइक जब्त किया। बता दें, सोमवार को सभी आरोपियों को तेनुघाट जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में ललपनिया थाना के इंस्पेक्टर महेश प्रसाद सिंह ने बताया है कि गत 8 जून को हड़िया मोड़ स्थित गैस गोदाम से आगे जंगल में मुर्गा व्यवसाय से लूटपाट और मारपीट की घटना घटी थी। जयंत कर्नाड नहीं पेश कर पाया जमीन के उत्तराधिकारी होने का सबूत। ईडी ने सेना के कब्जे वाली जमीन की अस्थायी जब्ती से संबंधित आदेश में नया खुलासा किया है। ईडी ने अपने खुलासे में बताया है कि जिस जयंत कर्नाड को सेना के कब्जे वाली जमीन का असली रैयत बताया गया था, वह जमीन के उत्तराधिकारी से संबंधित साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाया। जयंत कर्नाड ने हाई कोर्ट को गुमराह कर संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर अपने पक्ष में फैसला लिया और सेना से किराए के रूप में रुपए वसूले। वहीं ईडी को जांच में जानकारी मिली है कि मोराबादी मौजा स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन स्वतंत्रता के समय से ही सेना के कब्जे में है। पेंशन विवाद मामले में बिहार सरकार ने झारखंड सरकार से मांगे 800 करोड़। बिहार से अलग होने के 23 साल बाद भी कर्मियों के पेंशन विवाद का निपटारा नहीं हुआ है। दोनों ओर से इसका हल निकालने की काफ़ी कोशिशें हुई, लेकिन सारी कोशिशें बेनतीजा रही। बता दें, झारखंड सरकार का दावा है कि वह अपने हिस्से की राशि बिहार सरकार को दे चुकी है। इसके बावजूद बिहार सरकार पैसों को लेकर दावेदारी कर रही है। वहीं बिहार सरकार ने फिलहाल 800 करोड़ रुपये की मांग की है, लेकिन झारखंड वित्त विभाग ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अभी पैसा नहीं दिया जा सकता। पूर्व में इस मामले को लेकर दोनों राज्य केंद्र में अपनी अपनी दलीलें दे चुके हैं। प्लास्टिक मुक्त होगा झारखंड हाई कोर्ट का नया परिसर। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र ने कहा है कि झारखंड हाई कोर्ट का नया परिसर प्लास्टिक मुक्त होगा। हाई कोर्ट परिसर में किसी भी तरीके से प्लास्टिक के प्रयोग रोक रहेगी। प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल किया जाएगा। रांची नगर निगम के सहयोग से इसके लिए मशीन और अन्य संसाधन परिसर में लगाया जाएगा। नए परिसर में वरीय अधिवक्ताओं के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि हाई कोर्ट का परिसर बहुत ही बड़ा है, इसकी सुरक्षा भी जरूरी है। मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धि गिनाने में जुटी बीजेपी। 2024 के चुनावी जंग को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में कई केंद्रीय नेताओं को उतारा है। इन नेताओं को मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धि गिनाने के लिए जनता के बीच जनसभा करने की जिम्मेदारी दी गई। इसको लेकर पार्टी के आला नेता लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार से बीजेपी के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र MLC प्रो राम सिंधे 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन सोमवार को रांची के तपोवन मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात की है। कोल इंडिया के भावी चेयरमैन ने सीएम हेमंत से की मुलाकात। कोल इंडिया के चेयरमैन पद के लिए चुने गए पीएम प्रसाद ने सीएम हेमंत सोरेन से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने सीएम को द अनर्ड लाइफ पुस्तक सप्रेम भेंट किया। सीएम ने उन्हें कोल इंडिया का चेयरमैन नियुक्त होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। माना जा रहा है कि पीएम प्रसाद के कोल इंडिया का चेयरमैन नियुक्त होने पर यहाँ के कर्मियों को उनका वाजिब हक मिल सकेगा। दरअसल पीएम प्रसाद का झारखंड से गहरा नाता रहा है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।